कागज के दो पन्नों को जोड़ने के लिए गोंद होता है, ऐसे ही आत्मा को जगत से जोड़ने वाला राग है, मोह। सुबह के सत्र में ये चर्चा हुई थी कि राग द्वेष, इसका निर्वार करें। जैसी कहे करे पुनि तैसी राग द्वेष निर्वारे, तामे घटे बढ़े रतियों नहीं, यह विधि आप संवारे। ये सद्गुरु कबीर की पंक्ति है। साहब ने और भी कहा है कि सद्गुरु विशाल देव ने कहा है, राग द्वेष में लाग के होवे भूल अपार, दोनों छोड़ बेकाम को लागे निज पद सार। सभी संत साधक ऋषि शास्त्र यही बताते हैं, अपना अनुभव भी है। शास्त्र में बातें न लिखी भी गई हो, आखिर में मन को भागने का रास्ता कहाँ है, कहाँ भागता है? कभी आप बैठ करके एनालिसिस करें तो पता चल जाएगा। वैसे तो सद्गुरु कबीर ने कहा है कि ई मन चंचल ई मन चोर, ई मन सुद ठगहार, मन मन करते सुर नर मुनि जहड़े, मन के लक्ष्य द्वार। लक्ष्य द्वार लाखों दरवाजे हैं, मन को भागने के लिए लाखों दरवाजे हैं। अच्छा, मन चलता कहाँ है, उसका भी पथ है। जैसे गाड़ी मोटर, बस ट्रक, छोटी छोटी गाड़ियाँ, ये सब कहाँ चलती हैं? रोड पर। ट्रेन कहाँ चलती है? पटरी पर। आधार है ना, तो मन का आधार क्या है? वो भी तो रास्ता में चलता है, उसका भी तो कुछ है। वो है विषय पथ, विषय पथ पर चलते हैं। तो क्या होता है उसमें? राग द्वेष दो ही तरफ है भागने का रास्ता, या तो अतीत में या फिर भविष्य में। मन को आप कभी भी देखेंगे तो पता चलेगा, या तो वो अतीत के बारे में भूत अर्थात जो बीता हुआ है उसकी याद कर रहा है, या भविष्य की कल्पना कर रहा है, योजना बना रहा है। ये दो ही तो है रास्ते, एक बीता एक आने वाला। अच्छा, उसमें भी दो है, एक राग दूसरा द्वेष। जो अच्छा लगता है, जिसके बारे में सोचते हैं तो अच्छा लगता है। अच्छा लगने का मतलब जहाँ सुखाभास होता है सच कहो तो, और जहाँ दुखाभास होता है, यही बात है। सुख दुख कारण क्या है? राग और द्वेष। सुख दुख मिलने के दो ही कारण हैं, राग द्वेष। तो ये दोनों न रह जाए। अच्छा, मैं इसको कहूँ, एक पुरानी कहानी कहता हूँ, कई बार सुने होंगे, दोहराने का मन हो गया, याद आ गई। एक किसान था, पुरानी बात, जब ट्यूबवेल का ज़माना नहीं था तो खेत में कुआं खुदवाया, और बड़ा सा कुआं, मैं तो देखा हूँ खेत में कुआं सिंचाई के लिए खोदा जाता था, बहुत बड़ा सा कुआं। तो कुआं बना था और उसके जो चारों तरफ थोड़ी सी ऊंचाई करके, जिसे जगत कहते हैं उत्तर प्रदेश में, पार कहना चाहिए, वो खेत था। तो बहुत ऊंचाई तक नहीं किया था, लेवल तक था, थोड़ा बहुत रहा होगा ऊंचा। तो उस कुआं के बारे में, कुआं खोद गया, अब सोचा कि किसी संत को बुला लें, कोई भगत रहा होगा, और बुला करके जैसे
एक औपचारिकताएं होती है, मकान का उद्घाटन, दुकान का उद्घाटन, तो लाओ भाई कुआं है तो फिर कुआं के लिए भी कुछ करें, थोड़ा सा पूजा पाठ हो जाए, फिर इससे उपयोग इसका उपयोग लें। तो संत के पास गए, संत ने कहा ठीक है अमुक तारीख को आऊँगा, एक सप्ताह के बाद आने के लिए उसने तारीख दे दी। और आए तो संत के आने के एक दिन पहले सोचा चलो कुआं के पास चलूं, देखूं संत आएंगे, गांव के लोग आएंगे, रिश्तेदार लोग आएंगे, तो जगह ठीक ठाक हो कैसे हैं, देखने गया। अब जब देखने गया किसान तो बड़ा आश्चर्य, इतनी बदबू आ रही थी, देखा क्या हो गया, तो कुआं से बहुत दुर्गंधी आ रही थी। पास में कोई किसान काम कर रहा था, पूछा ये भैया कुआं से इतनी बदबू कहाँ से कैसे आ रही है। उसने कहा कि अभी कुछ दिन पहले दो कुत्ते लड़ रहे थे और लड़ते लड़ते कुएं में गिर गए, सड़ गए। ओ ये तो बड़ी समस्या है, जब तक वो शाम तक घर लौटे तब तक संत आ चुके थे, क्योंकि अगले दिन की बात थी। उसने कहा भगवान आपको बुलाया तो, लेकिन एक बड़ी समस्या है। क्या हुआ? जिस कुएं के उद्घाटन के लिए आपको बुलाया था वहाँ तो बड़ी बदबू हो रही है, बड़ी दुर्गंधी आ रही है, क्या करूँ मैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है वहाँ जाकर खड़े कैसे होंगे, पानी का उपयोग कैसे करेंगे। उन्होंने कहा देखो सुबह से चले जाना, पानी फेंकवा देना वहाँ से बहुत सारा, और वो पूछे भी कि क्यों ऐसा हो रहा है कैसे है, तो बताए कि ऐसी ऐसी बातें हैं। तो उसने ये भी कहा कि भाई उनको निकाल करके बाहर फेंक देना, पानी कुछ निकाल देना, उलीस देनी या कुछ गंगा जल डाल देना, कुछ तुलसी दल डाल देना और कुछ अगरबत्तियाँ वगैरह आसपास जला देना, ठीक हो जाएगा। तो सुबह से कई मजदूर और नौकर ले गए, बहुत सारा पानी वहाँ से उलचवा दिए, गंगा जल ले आए, तुलसी दल ले गए, अगरबत्ती वगैरह जला दिए। शाम का शायद 4-5 बजे का समय रहा होगा, गए सबके सब, लेकिन दुर्गंधी मिटी नहीं थी, फिर से बदबू आ रही थी। कहा कि देखो क्या हो गया, कहा था वो किए कि नहीं किए, हाँ बहुत सारा पानी निकलवाया और इसमें गंगा जल भी डलवाया, तुलसी दल भी डलवाया, अगरबत्तियाँ जलवाया और सेंट इत्यादि भी छिड़का। संत ने पूछा बात तो ठीक है, लेकिन एक बात बताओ, वो जो कुत्ते गिरे हुए थे उसको निकाले कि नहीं निकाले। कहे वो तो नहीं निकाला, वो तो नहीं निकाला, दुर्गंधी जाएगी। बहुत सारे आप क्रिया कांड करें, नदियों में नहाएं, पूजा पाठ करें और बहुत कुछ सत्संग इत्यादि भी बहुत सारा कर लें, लेकिन जो अपने अंतस में राग द्वेष रूपी दो कुत्ते जो सड़ रहे हैं ना, उसको नहीं निकालेंगे तो जीवन से सुगंधि नहीं फूटेगी। चेक करें अपने आप को कहाँ है राग। देखो दूसरों को तो धोखा देना सरल है, लेकिन खुद को कहाँ धोखा देंगे। जब आप अकेले में बैठे तो देखें कि मेरा मन कहाँ जाता है, किसके लिए सोचता है। जब अकेले में बैठता हूँ तो किसके किसकी याद बहुत करता है, किसके प्रति मन मोह ग्रसित होता है, किसके लिए बदले का भाव जगता है, देखो तो सही आपको पता चलेगा कहाँ जा रहा है मन। मेरे मन में किसके किसके प्रति मोह है मैं ही तो जानूंगा, दूसरा कौन जानेगा। दूसरों को धोखा दिया जा सकता है, अपने को नहीं। खुद देखें कहाँ आकर्षित हो रहा है, हटाएं उससे। डिटैच, अटैच, डिटैच, जो अटैचमेंट है अब उसे हटना है। संस्मरण आया ख्याल, नागपुर में
कई साल पहले की बात है, तरुण सागर जी महाराज जो जैनी दिगंबरी संत थे, अब तो उनका शरीर नहीं रह गया, वहाँ थे, हम लोग भी वहीं थे, पूरा समाज था। तो ये हुआ कि भाई वो संत आए हैं तो चलो मिलते हैं, तो गुरुदेव जी की कई पुस्तकें, बीजक व्याख्या, कबीर दर्शन लेकर के गए, बैठे उनके पास, बहुत सरलता से मिले, आए तो फिर सभी बैठे हुए थे। हम सोचे कि कुछ बोलें उधर से। मैंने कहा कि महाराज जी, आप तो बहुत सारे प्रवचन किए हैं, बहुत पुस्तकें लिखे हैं, लेकिन चूंकि हम लोग आए हैं तो हम साधकों के लिए कुछ कहें, और ताकि हम अपनी साधना ठीक से कर सकें और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सकें। उन्होंने कहा दो बातें हैं, इसको ध्यान रखना, एक कि परिचय कम करो और दूसरा अपरिग्रही, संग्रह कम हो, अपरिग्रही बनो और परिचय कम करो, मतलब संग्रह, वस्तुओं का संग्रह कम करो और अपरिग्रही बनो, और दूसरा उन्होंने क्या कहा, अपरिचित, परिचय न बढ़ाओ ज़्यादा। मैंने कहा बात तो सही है, लेकिन जब तक इसका ज्ञान हो कि ये परिग्रह और परिचय ये हमारे मन में बार बार ख्याल आते रहते हैं, तो जब तक इसका बोध हो, ज्ञान हो, इसके पहले तो बहुत सारा हमने परिचय बना लिया है, बहुत सारा संग्रह कर लिया है, तब क्या करें, क्योंकि सही है ना, ज्ञान तो बाद में होगा ना, इसके पहले तो बहुत कुछ हो गया है। उन्होंने कहा कि ये बात कही कि एक है अटैच और दूसरा है अटैचमेंट। फिर उन्होंने उदाहरण दिया, कबीर का जो भजन में बात आई है कि जैसे, मैंने कहा वो कैसे, तो उन्होंने कहा जैसे पनिहारिन अपने सिर पर घड़े रखी रहती है, कहीं कहीं देखेंगे एक घड़े के ऊपर और घड़ा, और फिर बाजू में भी, फिर बात भी करती रहती हैं, बात तो करती हैं लेकिन उनका ध्यान कहाँ होता है, घड़े पर। इसी प्रकार से लोगों से संबंध तो हो लेकिन उनके साथ में कोई मोह न हो, राग न हो, अटैचमेंट न हो, जुड़ाव हो लेकिन उस जुड़ाव का किसी प्रकार से ऐसा भाव न जगे कि इनके बिना मैं मर जाऊंगा, नहीं जी पाऊंगा, तड़प रहा हूं, ये है वो है, ये बेताबी नहीं, बोध भाव, यही तो बोध की ज़रूरत है। बोध किस लिए, देखिए जिस दिन आप ये जानेंगे कि सारा संबंध क्षणिक है, संबंध है लेकिन संबंध छूटेगा, पति पत्नी का संबंध है, पिता पुत्र का संबंध है, भाई भाई का संबंध है, मित्रों का, गुरु शिष्य का, ये पता है संबंध है, तो संबंध जब तक है बढ़िया से निभाओ, लेकिन ये भी समझ रखें कि यह संबंध एक दिन छूटेगा। हम लोग की क्या गलती हो जाती है, संबंध जो वर्तमान में है बस उसी का रखते हैं ख्याल, और कभी कभी ये भी ध्यान में रखते हैं ये कभी ना छूटे, ऐसा भाव रहता है। किसी का बेटा पैदा हो गया, वो कोई चाहेगा भला कि मेरा बेटा कभी मर जाएगा, कोई नहीं चाहता है, लेकिन यदि बोध बना रहा है, मिला है भाई, शरीर संबंध है, प्रारब्ध खत्म हो जाएगा, छूट भी सकता है, ये बोध बना रहा है। कबीर साहब जी ने कहा है कहो तो है नहीं, नहीं कहा ना जाए, हाँ ना ही के बीच में साहेब रहा समाई, है कहो तो है नहीं, जिसे आप अपना है कहते हो वो है नहीं, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा व्यवसाय, मेरा पद, मेरा गांव, बहुत कुछ, मेरा संप्रदाय, साहब कहते है नहीं, क्यों, क्योंकि आपके पहले जिसे अभी आप अपना है कह रहे हो, आपके दादे बाबे पर बाजे सब कहते थे मेरा है मेरा है, छोड़कर गए, कहाँ उनका रह गया,
एक संत थे, एक भक्त के यहाँ बहुत पुराने थे संत, बहुत लंबे समय से उनके घर आना जाना होता था। तो उस समय जो घर का मालिक था वो जवान था। संत बैठे थे कुर्सी ऐसे आसन लेकर के बाहर हवा खोरी में शाम के टाइम में। तो वो जो घर वाला था मालिक थोड़ा जवान था, गर्व था वो उनको। उन्होंने कहा, महाराज जी वो जो देख रहे हैं ना वहाँ तक पेड़, वो दूर वहाँ तक के, वहाँ तक मेरी ज़मीन है। क्या कहा, वो दूर देख रहे हैं ये पूरी यहाँ से वहाँ तक के ये सब मेरे प्लाट हैं। संत ने कहा, हाँ ठीक है। अब मुस्कुराने लगे संत ने, उस भक्त ने कहा, क्यों मुस्कुरा रहे हैं आप? कि बेटा अब तुम्हें क्या बताऊँ, आज जो कह रहे हो ना वहाँ तक मेरा प्लाट है, 25 साल पहले तुम्हारे पिता ने यही बात कही थी, 25 साल पहले, वो देखो वहाँ तक मेरा प्लाट है। और तुम्हें एक बात और बता दूँ, 50 साल पहले तुम्हारे दादा ने भी यही बात कही थी। दादा भी छोड़कर चले गए, तुम्हारे पिता भी छोड़कर चले गए, शायद तुम रहो न छोड़ करके जाओ, जाएंगे छूटेगा, कौन सा संबंध स्थिर है, कौन सा संबंध स्थिर है? कोई भी संबंध स्थिर नहीं है। ये भाव, इसका मतलब नहीं कि जब तक संबंध है उनके साथ में दुर्व्यवहार करें, नहीं। साहब ये भी कहते, नहीं कहा ना जाए। क्या गजब की बातें साहब मनोवैज्ञानिक ढंग से कहते, बड़े वैज्ञानिक तरीके से कहते, है कहो तो है नहीं, जिसको है कह रहे हो वस्तुतः वो है नहीं। लेकिन नहीं कहा ना जाए, कैसे नहीं कह दोगे? क्योंकि शरीर है, शरीर की आवश्यकताएं हैं, शरीर से संबंधित लोग हैं, कैसे नहीं कह दोगे? भोजन चाहिए, कपड़े चाहिए, निवास की जगह चाहिए, और फिर लोगों का संबंध चाहिए, कैसे नहीं कह दोगे? तो साहब कहते, नहीं कहा ना जाए। शारीरिक आवश्यकताएं, पारिवारिक और सामाजिक आवश्यकताएं हैं, आप इससे अपने आप को एकदम अलग नहीं कर सकते, इसलिए कहते हैं नहीं कहा ना जाए। अच्छा तब क्या हो? तब सदगुरु कहते हैं, हाँ नाही के बीच में साहेब रहा समाई। साहेब का मतलब ज्ञानी। ज्ञानी की स्थिति कहाँ होती है? हाँ और न के बीच। वो हाँ और न के बीच का मतलब, वो हाँ को भी समझता है, न को भी समझता है। हम लोग क्या गलती करते हैं, हाँ को समझते न को समझते ही नहीं है, है को बस है, और है के लिए क्या बना कर रखते हैं, जो मुझे प्राप्त है वो कभी कम न हो, वो कभी न छूटे। अरे भाई दुनिया परिवर्तनशील है, सब बदलता है। अकबर एक बार बीरबल से कहा, बीरबल ये बादशाहत सदा बनी रहती तो कितना अच्छा होता। जो बादशाहत है ना, अभी बादशाह हूँ मैं, और ये बादशाह सदा बनी रहती, कभी ना बिछुड़ती, कितना अच्छा होता। बीरबल ने कहा, हुजूर बहुत बुरा होता, बहुत बुरा होता। कि क्यों? कि देखिए यदि सदा बनी रहती बादशाह तो आपका नंबर ही नहीं आता, है कि नहीं है? आपका नंबर ही नहीं आता, क्योंकि आपके पिता और पर पिता ही रहते, फिर आपका नंबर नहीं आता। अच्छा हो गया, बदल गया, अच्छा हो गया। और ये भी जानिए, आपका बेटा इंतजार भी करता होगा। गुरुदेव जी कहा करते थे कि घर के जो बुजुर्ग होते ना, बूढ़े, वो क्या कहते हैं, बहुत कभी कभी बच्चों को डांटते रहते हैं, मेरे रहते मज़ा कर लो, मेरे रहते मज़ा कर लो, जब चला जाऊंगा इस दुनिया छोड़ करके तब तुम कटोरा लेकर के भीख मांगोगे, बहुत तुम मस्ती कर रहे हो। और जवान लोग क्या समझते हैं, ये बूढ़ा कब मरे तो कब हम घर का मालिक बने। कितना भ्रम में जीते हैं हम लोग, बहुत भ्रम में रहते हैं, कुछ नहीं है अपना। इसलिए संबंध को समझें, संबंध है नहीं है। अच्छा है कितने समय के लिए है? राई के दाना के बराबर, और नहीं है पर्वत के बराबर। ये गीता में बात आई, उस श्लोक इस समय भूल जाता है कई बार में, कई कभी कभी, अव्यक्ता दीन भूतानी व्यक्त मध्यानि भारत,
ऐसे ही आया है, तत्र का परिदेवना, भाव यह है जब आपका जन्म नहीं हुआ था तब आपका शरीर था नहीं था? कब से नहीं था? अरे सदा से नहीं था भाई ये शरीर। अच्छा जिस दिन मर जाओगे उसके बाद में कब तक के लिए शरीर गायब हो जाएगा? सदा के लिए। ख्याल करिए, पहले आप कभी नहीं थे और कुछ दिनों के बाद आप कभी नहीं रहेंगे, कितने दिन के लिए हैं आप? मैंने एक दिन कहा था ना, लघु संबत पंचदशा कल्पांत न आस गुमान यसा, लघु जीवन संबत पंचदशा कल्पांत नाश गुमान यसा। ये गोस्वामी जी की पंक्ति है, लघु जीवन संबत पंचदशा। जीवन कितना? लघु छोटा, 5-10 सालों का लघु, या 5-10 को गुणा कर दो, 5 धाम 50 मान लो भाई, और क्या होगा। लघु जीवन संबत पंचदशा कल्पांत नाश गुमान। गुमान क्या है? कल्पो नहीं मरेंगे, कल्प समझ रहे हैं ना, एक कल्प का समय होता है 4,32,00,00,000 वर्ष। सच मानू ना, हम क्या मानते हैं, सब मर गए तो मर गए, हम क्यों मरेंगे, हम नहीं मरने वाले हैं, अमर अमर। अच्छा एक बात और बता दूं, अच्छा अमर हो भी जाओगे तो क्या हो जाएगा? अच्छा चलो मान लेते हैं, आपको किसी ने आकर कहा आप जो वर्द मांगे मुझे अमर बना दो, अच्छा ठीक है एव मस्तु, आपको वरदान दिया जाता अमर हो जाओगे, बताऊँ क्या होगा, आप मरना चाहेंगे। सिकंदर के बारे में बात याद आती, कहानी है भाई, कहाँ घटना थोड़ी है। सिकंदर आया भारत तो सुन रखा था वहाँ एक ऐसी जगह है पानी का झरना है, यदि कोई उस झरने का पानी पी ले तो अमर हो जाता है। और सिकंदर तो महान कहते हैं, हम लोग कहते हैं ग्रेट अलेक्जेंडर, सब झूठ है, महान सिकंदर। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है विश्व इतिहास की झलक में, महान सिकंदर कहेगा शैतान सिकंदर। क्या उन्होंने निर्माण किया है, कोई काम किया है जगत के हित में? मार काट लड़ाई झगड़ा यही तो सब करता रहा है, काहे कमी महान है वो, शिवाय शैतानी किया है कुछ नहीं। बहरहाल चलो हम महान मान भी लेते हैं, बड़ा उत्साही था, बड़ा जोशीला था, तो आया सुना था। अब उसके मन में क्या हुआ, कितना अच्छा होगा अमर हो जाऊं तो, इतना सारा मैंने जगत को बहुत सारी दुनिया के हिस्से को जीता है, अमर हो जाऊंगा। खोजा पूछा कहाँ है भाई वो अमर, वो झरना कहाँ है, पानी कहाँ है? तो एक ने संत, किसी ऋषि संत ने कहा वो पहाड़ है, उस पहाड़ के नीचे आप सुरंग है, उस सुरंग के अंदर चले जाओ, वहाँ नदी बहती है अमृत का, अमृत की नदी बहती है, यदि उस पानी को पी लोगे तो अमर हो जाओगे। बड़ा उत्साही, कई सिपाही लेकर चले, पहुँच गया उस गुफा में, तो गुफा के दरवाजे तक ही सारे सिपाही को रोक दीजिए, मैं अकेला जाऊँगा, क्योंकि वो चाहता था कि मैं ही अकेला अमर जल उस अमृत का पीऊँगा, क्योंकि सब पी लेंगे फिर कैसे मतलब निकलेगा। तो सोचा कि चलो मैं गया वो, और गया सचमुच अंदर गया तो दूध की तरह धारा छल 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 बह रही थी नदी की धारा, घुटनों के बल बैठा, अंजुली में उठाया, बस पीने ही वाला था, इतने में आवाज़ आई रुक जाओ सिकंदर। इतनी प्रतीक्षा के बाद तो शुभ घड़ी मिली है कि मैं अमर जल पी लूँ, ये अमृत को पी लूँ, और ये कौन से रोक रहा है, कौन है? सिर उठा के देखा एक पेड़ पर कौवा बैठा था, कौवे ने कहा सिकंदर मैं बोल रहा हूँ, मैं कौवों का राजा हूँ, मैं सामान्य कौवा नहीं हूँ, हाँ बताओ क्यों रोक रहे हो? कहा सिकंदर आप पीजिए जल, मुझे कोई मनाही नहीं, कोई दिक्कत नहीं इससे, लेकिन मैं एक चीज़ कहना चाहता, एक बात कहना चाहता हूँ, आप जैसे आज इस अमृत को पीने आए हो, मैं भी कभी आकर के अमृत पी लिया था, अब पिया क्या करूँ, जहाँ जाना था गया, जो देखना था देखा, जो करना था किया, देखते देखते करते करते सब कुछ करते करते थक गया, हार गया, सबसे मन उब गया है,
और ये सब करते करते मैं इतना ऊब चुका हूँ, कैसे मरूँ, कैसे मरूँ, मरना चाहता हूँ। और मरने के लिए मैंने क्या किया, तलवार में अपने गर्दन को रेता, लेकिन अमर जल अमर ये पानी पी लिया था ना अमृत, मरा नहीं। पहाड़ से कूदा, मरा नहीं। आग में कूदा, जला नहीं, क्योंकि अमृत पी लिया था। मैं बहुत दुखी हूँ अपने जीवन से। सिकंदर आप पी लो, लेकिन एक निवेदन है मेरा, मेरे समान अपने जीवन से कभी उबोगे और मरने के लिए सोचोगे, कहीं मरने की कोई दवाई मिल गई ना तो पहले मुझे देना फिर अपना खाना, पहले मुझे दे देना। ये बात सुना तो सिकंदर का हाथ पानी जो था वो ढीला हुआ, पानी को फिर से अमृत को फिर से जाने दिया। सिकंदर बिना अमृत पिए गुफा से बाहर आ गया। आप पीना चाहेंगे? क्या करेंगे पी करके? भोगे न भुक्ता वयमेव भुक्ता, तपो न तप्तम वयमेव तप्ता, कालो न यातो वयमेव यातो, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। ये भर्तृहरि जी ने कहा है, भोगों को मैंने नहीं भोगा, भोग ने ही मुझे भोग डाला। क्या कमाल की बातें कहते हैं ये लोग, मुझे भोग डाले, कहाँ तक इंद्रियां शिथिल हो जाएंगी, सब व्यर्थ है, कहाँ सुख है, किसके प्रति आकर्षित हो रहे हो? साहब कहते हैं, नहीं कहा ना जाए, हाँ ना ही के बीच में है, थोड़े समय के लिए नहीं, हमेशा के लिए। उस नहीं को जो समझता है वो राग से ऊपर उठता है, वो दुखी नहीं होता है, संबंध के वियोग में दुखी नहीं होता है। जैसे आपको पता है दिन बीत रहा है, थोड़ी समय के बाद में, थोड़े समय के बाद में रात हो जाएगी। हम में से कितने लोग हैं जो बैठ के रोएंगे, दिन चला गया, दिन चला गया, क्या बताएं? कोई रोएगा नहीं, क्यों? पता ही है ना, दिन के बाद तो रात आनी ही है, होता है ना। अभी देखो बरसात ख़त्म होने वाली है, अब ठंडी आ जाएगी, हम लोग कितने लोग बैठ करके रोएंगे, क्या बताएं, बरसात चली गई बरसात। अरे पता ही है बरसात के बाद में ठंडी आती है, न ठंडी के जाने के बाद रोते हैं न गर्मी के जाने के बाद रोते हैं, क्यों? पता है, रात के बाद दिन, दिन के बाद रात, कोई नहीं रोता। ऐसे ही जब पता हो संबंध का वियोग होता है, आया है ठीक है, पत्नी है शरीर छूट गया, पति है शरीर छूट गया, बेटा है शरीर छूट गया, छूटने के लिए मिला है, ये बोध बना रहेगा, दुख होगा, लेकिन राग है, जाता नहीं है वो। इसलिए उस राग से ऊपर उठने की बात, दोनों दुखप्रद है। जो आप सुख मानते हैं, राग और द्वेष, दोनों दोनों को समझें। दो प्रकार के करंट होता है, होते हैं एसी डीसी, एक जो चिपकाता है और दूसरा है झटका मारता है, होता है ना झटका मारने वाला। तो राग जो है वो ऐसा करंट है जो चिपकाता है, और द्वेष जो है झटका मारता है, लेकिन है दोनों तकलीफ। बिजली का करंट दोनों ही तकलीफ दे है, चाहे वो चिपकाए चाहे वो झटका मारे, दोनों ही दुखप्रद है। इसी प्रकार से राग और द्वेष, जब तक मन में राग और द्वेष रहेगा आप शांति का अनुभव नहीं कर सकते। द्वेष क्या है? बदले का भाव। किसी ने आपके साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार किया है, कोई गलत काम किया है, या आपने मान ही लिया उसने मेरे साथ गलत किया, हो सकता है उसने सही किया हो, गलत किया, अब उसके प्रति मन में द्वेष बनता है, बदले का भाव जगता है, बदले का भाव, उनके प्रति गलत विचार मन में आने लगते हैं, ये द्वेष अशांत करता है। इसलिए वीत द्वेष, वीत राग, वीत राग, वीत द्वेष, राग विहीन मन, द्वेष विहीन मन। राग और द्वेष तो इतना खतरनाक है, क्या बताया जाए। आप चाहे जितनी साधना करें, चाहे जितना आप ध्यान करें, चिंतन करें, स्वाध्याय करें, सत्संग करें, दान पुण्य बहुत कुछ करें, काम नहीं होगा। कैसे नहीं होगा?
जैसे आप लोग स्कूटी चलाते हैं, एक्टिवा हो, जुपिटर हो, प्लेजर हो, बहुत सारी आजकल गाड़ियाँ आ चुकी हैं, इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियाँ। क्या होता है उसमें, एक हाथ में ब्रेक, दूसरे हाथ में एक्सीलरेटर होता है ना, होता है। आप एक काम करिए, एक हाथ से आप ब्रेक को दबाए रखिए और दूसरे हाथ से एक्सीलरेटर को आप घुमाइए अधिक से अधिक, गाड़ी आगे बढ़ेगी? क्यों नहीं बढ़ेगी भाई? तेल खर्चा हुआ कि नहीं होगा? गाड़ी ख़राब होगी कि नहीं होगी? होगी ना। बस ये सारे काम जो आप कर रहे हैं ना साधना भजन का, वो एक्सीलेटर देना है। लेकिन ये जो ब्रेक है ना, ब्रेक जानते हैं, ये है द्वेष, बदले का भाव, ये है। ये जो पकड़े हुए ना द्वेष, जब तक आप उसे ढीला नहीं करेंगे ना, गाड़ी आगे बढ़ेगी ही नहीं। द्वेष पाल करके रखते, दुश्मनी का भाव, शांति मिलेगी? कभी नहीं मिलने वाली है। एक ही काम करना है, क्षमा, छोड़ दो, अलग हो जाओ। ठीक है, उसने गलती किया, मुझे वो नहीं करना है उनके साथ में। ये बहुत ज़रूरी है। जब तक आप उनसे, आप तभी छुटकारा पा सकते हैं जब आप उधर से क्लियरिटी आए, आप वहाँ से न्यू ड्यूस लें। न्यू ड्यूस लेना पड़ेगा वहाँ से, बिल्कुल कैसे कहते हैं ना वो, लगान चुकाना पड़ेगा, चुकता करना पड़ेगा। अब की बार जो हो चुकाओ, कहें कबीरता की पूरी बात, चुकता कर दो हिसाब को, हिसाब चुकता कर दो। किसी के प्रति भी, किसी के प्रति भी द्वेष का भाव न जगे, बदले का भाव न जगे। बहुत खतरनाक है ये कि राग और द्वेष जीव को चलाते हैं, पीड़ित करते हैं। दोनों से अलग होने की ज़रूरत है। काहे का द्वेष? थोड़े दिन का तो संबंध है, क्या ले जाएंगे? क्या किसने अन्यायपूर्ण, क्या छीन लिया वो, क्या तकलीफ उसने दे दी आपको? अरे ठीक है, कुछ वस्तुएं ले ली, कुछ गाली गुप्ता दे दिए, कुछ नुकसान कर दिया, हो सकता है कभी चोट भी कर दिया हो। कैसे करोगे उस चीज़ को? कर दिया, नहीं समझता है वो। इसलिए ये भाव रखना है। यदि आप बदले के भाव में उलझेंगे, संघर्ष और लड़ाई झगड़ा में कब तक उलझे रहेंगे आप? जीवन तो थोड़े समय के लिए मिला है, ये लड़ लड़ करके जीना दुखप्रद है। लेकिन लड़ाई से अलग करना अपने आप को, द्वेषपूर्ण स्थिति मन में न रहे, न राग हो न द्वेष हो। कैसे छूटे और बनते कैसे, मैं थोड़े में बताऊं इस चीज़ को। दो ही कारण है इसके, दो कारण राग और द्वेष बनने के, दो कारण, और वही छूटने के कारण होंगे। कैसे, इसको समझे थोड़ा सा। जब आप ये मानते हैं कि सुख का आधार कोई है, मुझे कोई सुख देने वाला है, मुझे कोई दुख देने वाला है, बस यहीं से शुरू होती है। जब आप मानते हैं कि यहाँ से सुख मिल रहा है, पर से, दूसरे से, जैसे ही माने कि दूसरे से सुख मिल रहा है, मिलता है, मिलेगा, ऐसे ही आप उनके प्रति रागवान हो जाएंगे, उससे जुड़ना शुरू कर देंगे। और जब पता चले कि उनसे दुख मिल रहा है या दुख मिलेगा, तो द्वेष करने लग जाएंगे, दुश्मनी करने लग जाएंगे। एक ही चीज़ मान करके इससे छुटकारा पा जा सकते हैं, मुझे सुख दुख देने वाला कोई नहीं है, बस। ये भेद को समझे। जिस दिन ये बोध भाव बना बन जाए, देखिए समझना तो बड़ा सरल है, जो मैं बोल रहा हूँ ना, मुझे भी बात समझ में आ रही है, आपको भी समझ में आ रही है, लेकिन उसका रियलाइज हो जाना, ये अंतस में टिक जाना, ये परिवर्तन का कारण बनेगा। मेरा प्रवचन मेरे बदलाव में कारण नहीं बनेगा, मैं अच्छी अच्छी बातें बताऊं आपको, इससे मेरे में बदलाव नहीं आएगा, और आप अच्छी अच्छी बातें सुन लें, इससे आप में बदलाव नहीं आएगा। जिस दिन वो समझ
मजबूत होकर गहराई में उतर गई, सच तो है, मुझे कौन सुख देने वाला है, कौन दुख देने वाला है। कबीर साहब ने कहा भी है, तेरा बैरी कोई नहीं, तेरा बैरी फैल, अपनी फैल मिटाए ले, गली गली कर सैर। अच्छा, गोस्वामी जी ने भी बात कही है, गोस्वामी जी ने बात कही है, काहू न कोई सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्रात। सुनो सुनो, निज कृत कर्म, जो हमें दुख मिलते हैं हमारे ही कर्मों का परिणाम है, सुख मिलते हैं हमारे ही कर्मों का परिणाम है। साहब ने नहीं कहा कि बाहर कहीं सुख है वो तुम्हें मिलने वाला कोई देने वाला है। कबीर साहब की विशेषता क्या है, सबसे छुड़ाते हैं, सबसे, और अपने से भी छुड़ा देते हैं, ये भी ध्यान रखना, अपने से भी छुड़ा देते हैं। ये नहीं है कि सबको छोड़ करके मेरी शरण में आओ, मैं उद्धार करने वाला हूँ। साहब कहते हैं बिल्कुल नहीं, क्या कहते हैं, जो तू चाहे मुझको छाड़ सकल की आस, मुझ ही ऐसा होए रहो सब सुख तेरे पास। मेरे पास नहीं है सुख कि मैं निकाल के दे दूँ, सबका सुख अपने पास, सबका दुख अपने पास, आपके अंतस से ही सुख दुख के, आपके अंतस में ही सुख दुख के स्रोत हैं, स्रोत हैं। ये मानना छोड़ दें मुझे किसी से सुख मिलेगा, कौन सुख देने वाला है, किससे सुख पाते हैं आप, और सुख जो पाते भी हैं वो चलो मान मिले तो क्षणिक ही रहता है, थोड़े समय के लिए। शादी हुई, पति पत्नी कितने दिन तक एक दूसरे को सुखी सुख देते रहेंगे, कितने दिन तक के, शुरू में जो आकर्षण होता है शादी के कुछ महीने कुछ वर्ष के बाद वो आकर्षण तो खत्म हो जाता है। पुत्र पैदा होता है तो वो जो आकर्षण उसका है बच्चे का, कुछ दिनों के बाद तो खत्म हो जाता है, वो आकर्षण कहाँ रहता है। पहला बेटा हुआ, गुरुदेव जी कहा करते थे गज भर छाती हो जाती है, आप लोगों को तो अनुभव होगा गज भर छाती हो जाती है, और आपका बच्चा मनमानी करने लगा, सही है ना, मनमानी करने लगा, कहा कहते हैं आप ये मेरा नाम डुबा दिया, ये मुझे ऐसा कर दिया, ये मुझे समाज में देखने लायक नहीं रखा। अब वही बेटा तो बड़े आकर्षित थे, अब वही बेटा आपको दुख दे रहा है, कहाँ से देखो, वो दुख सुख नहीं दे रहा है, आप भोग रहे हैं। कभी कभी लोग कहते हैं अमुक के नाते बहुत परेशान कर रहे हैं, ये साहब बहुत परेशान कर रहा है। एक बार सूरत में था, एक भगत आने वाले थे, मैंने कहा भाई आप आए नहीं, आने वाले थे कि कैसे हो गया। उन्होंने कहा साहब ये जो बारिश हो रही है ना बहुत परेशान कर रही है। मैंने कहा बारिश परेशान नहीं कर रही है, बारिश से आप परेशान हो रहे हैं, भेद को समझे इस चीज़ को। आपको बेटा दुख नहीं दे रहा है, बेटे से आप दुखी महसूस कर रहे हैं, वो दुख नहीं दे रहा है। मौसम आपको दुख नहीं दे रहा है, मौसम से आप दुखी हो रहे हैं, आपके ऊपर है। और जब आप ये मानेंगे कि मैं इससे दुखी हो रहा हूँ, तब ये भी आपके पास में चुनाव की योग्यता जगह होगी, मैं इससे छूट भी सकता हूँ। लेकिन जब सामने वाला ही आपको दुख दे रहा हो तब तो पता नहीं हो कब बदले सामने वाला, तब तो आप स्वतंत्र नहीं हैं, परतंत्र हो गए। मनुष्य स्वतंत्र है परतंत्र नहीं है। दूसरा सुख दे रहा हो, दूसरा दुख दे रहा हो, चाहे उसको ईश्वर ही क्यों ना मानो, कोई देवी देवता सुख दुख दे रहा है, आप कभी छुटकारा पा ही नहीं सकते। कबीर साहब का सिद्धांत तो इतना साफ है, ना कोई देवी ना कोई देवता, ना कोई ईश्वर ना कोई ब्रह्म, कौन है, आप हैं, सीधी सी बात है, आपु ही कर्ता भय कुलाला। साहब ने कहा है आपन कर्म न मेटो जाई, कर्म का लिखा मिटाए दहो कैसे, जो युग कोटि सिराई, गुरु वशिष्ठ मिली लगन सुधायो, सूर्य मंत्र एक दीन्हा, जो सीता रघुनाथ ब्याही, पल एक संचने कीन्हा। बड़ा लंबा है, अब वो सारे पद कहूँ उसका अर्थ करने लगूँ तो इसी में समझ चला जाएगा। कितनी बढ़िया बात कहते हैं साहब, आपन कर्म न मेटो जाई, आपका कर्म है, आप कभी न कभी गलत करते हैं उसका फल मिलता है। और कबीर साहब ने यह भी कहा है
तासु नाम है गर्व प्रहारी सोकस गर्व ही सकय सहारी। आप बड़ा अभिमान करते हैं, गर्व करते हैं, वो आपके गर्व का संहार कर देता है, वो कैसे सह पाएगा? आप गर्व न करें कि मेरे पास ये है वो है, उसके प्रति रागवान न बने और किसी के प्रति द्वेष का भाव न जगे। नहीं, कोई नहीं है, आपका कर्म ही आप तक लौट कर आता है, घूम करके आता है, ये समझ लीजिए। कहीं न कहीं से ऐसा सिस्टम बन जाता है, वो आप तक आता है, आता है। एक आदमी या एक कंपनी का मैनेजर था, या दुकान, बड़ी दुकान रही, कंपनी का मैनेजर था वो, नहीं मालिक था। तो मैनेजर आया, अपने काम से आया, बड़ा नाराज़ था मालिक, इतना नाराज़ उनसे था, एक थप्पड़ लगा दिया मैनेजर को। अब मैनेजर परेशान, गजब हो गया, आज तो क्या हो गया मुझे, उन्होंने मार दिया। अब क्या करे, वो किससे मारे, तो अपना जो छोटा कर्मचारी था उसको थप्पड़ लगा दिया वो। अच्छा, थप्पड़ लगा दिया, ठीक है। अब वो परेशान बेचारा, अब क्या करे वो, अब वो क्या करे, परेशान रहा, घर आया, अब पत्नी को लगा दिया वो। अब पत्नी का एक गजब हो गया, क्या हो गया आज इनको। तो फिर पत्नी अब क्या करती, तो उसने क्या किया, अपने एक बेटा था ना, उसको मार दिया थप्पड़। अब बेटे को थप्पड़ मार दिया, अब सब निकल रहा है अपना, उसका से उससे, अब बड़े सुध कर नहीं सकते हैं। अब बेटे को थप्पड़, बेटा इतना झुंझलाया, अब किसको मारे, बाहर निकला तो एक कुत्ता बैठा था, मारे लात में कुत्ते को। अब कुत्ता काय 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 करते गया और एक आदमी को काट लिया। कौन आदमी था? वही मैनेजर था। वही मैनेजर था जो शुरू में थप्पड़ मारा था ना, उसी को कुत्ते ने काट लिया। चक्र घूमता है, घूमता है, आ जाता है लौट करके। कहाँ जाओगे? अकबर और बीरबल, और अकबर की जो रानी थी जोधाबाई, वो भी थी, हवाखोरी के लिए जा रहे थे। तो अब कैसे करें, जोधाबाई आगे थी, बीच में बीरबल और उनके पीछे अकबर, क्योंकि रानी आगे। अब बीच में अपना कर दें, बीरबल हो तो ठीक नहीं बनेगा, तो वो दोनों को देख रहे हैं कहीं गड़बड़ ना हो, कि दोनों को आगे अपने रखे हुए थे, आगे बीरबल, बीरबल के आगे जोधाबाई। अब अकबर तो हर समय उनकी मस्ती सुस्ती थी, ये भी कहानी भाई, मैं नहीं समझता अकबर इतना कोई सामान्य व्यक्ति रहे होंगे, लेकिन वो हर समय अकबर को नीचा दिखा देते हैं लोग, लेकिन है तो मैं क्या करूँ, ये चुटकुला ही है। तो उसने क्या किया, अकबर को, बीरबल को चिकोटी काट लिया, समझ गए ना, यहाँ की भाषा में कहूँ चिमट दिस, समझ गए, मतलब उसको चिकोटी काट दिया वो। अब बीरबल बड़ा परेशान हुआ, क्या बताएं, अब राजा को तो कुछ कर नहीं सकते। उसने क्या किया, उसने जोधाबाई को चिकोटी काट दिया। रानी को चिकोटी काटना, रानी बहुत नाराज हुई और घूम करके एक थप्पड़ लगा दी बीरबल को। बीरबल ने कहा बड़ा गड़बड़ है, इधर से चिकोटी काटे, उधर से थप्पड़ लगाया, बीरबल भी सहा नहीं, फिर घूमा और वो राजा साहब को थप्पड़ लगा दिया। राजा, बीरबल ने कहा, अकबर ने कहा, अरे कौन सी गुस्ताखी कर रहे हो बीरबल? उसने कहा, हुजूर जो आपने चिट्ठी भेजी थी ना, उसी को उत्तर आया है, और कहीं अलग से थोड़ी आता है वो। हमारे ही कर्म से हमको दुख मिलते हैं, हमारे ही कर्म से सुख मिलते हैं, ये पूजा पाठ काम आने वाला नहीं है, ये मंत्र, ये जप, ये तप, ये पूजा, ये पाठ सब व्यर्थ है। कबीर साहब की इतनी साफ बातें, मंत्र तंत्र सब झूठ है, मत भरमो सब कोई, सार शब्द जाने बिना हंस आ गया भी वो। अरे गुरु लोग भी भटकाते रहते हैं सबको, ये मंत्र कर लो, ये टोटका कर लो, ये पूजा कर लो। कर्म सिद्धांत स्थापित करो, आपका कर्म आपको सुख दुख दे रहा है। जिस दिन ये बोध जगेगा, आप राग और द्वेष से ऊपर उठ जाएंगे, ये मैं कहना चाहता हूँ। क्यों? बाहर से सुख की संभावना नहीं है, क्योंकि सुख भीतर है। दुख की संभावना बाहर से नहीं है, क्योंकि दुख मेरे ही कर्मों का परिणाम आ रहा है। तो क्या करेंगे, बाहर परिवर्तन के लिए प्रयास नहीं करेंगे,
ना अनुनय विनय से न पूजा पाठ से, क्या करेंगे? आत्म सुधार, स्वयं में परिवर्तन। और जिस दिन स्वयं में परिवर्तन करेंगे आप अप हो जाएंगे, ऊपर उठ जाएंगे। तो मन में मन यही भागता है, या तो राग या तो द्वेष, अतीत या भविष्य। मन को कहो शांत, कोई सुख दुख देने वाला नहीं है, राग द्वेष से ऊपर उठ जाए। बैठे थोड़ा ध्यानस्थ हों थोड़ा समय और, शांत मन को मनाओ। हे मन, तुम दूसरों को दोष मत दो कि वो दुख दे रहा है, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे पति, मेरे घर वाले, मेरे पड़ोसी, कोई नहीं दे रहा है, कोई नहीं दे रहा है। आप दुखी हो रहे हैं, उलझा हुआ मन दुख देता है, सुलझा हुआ मन आनंद का अनुभव कराता है। शांत, इन सब से ऊपर उठ जाएं और अपने आप में पूर्ण विश्राम। मैं अकेला हूँ, मैं शांत हूँ, मैं शांत आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। हम सभी गहरी शांति का अनुभव करते हैं, अंदर सन्नाटा है, मौन और शांत। मैं अकेला हूँ, शांत हूँ, पूर्ण मौन, निर्द्वंद, निश्चिंत, निष्फिक्र, अपने आप में पूर्ण विश्राम, शांत।
गुरुदेव जी की पंक्ति है, सुख ढूंढ रहे तू बन में गिर गह्वर के कंदर में, पर पता नहीं तू पाया वह है तेरे अंदर में। तेरे ही अंतस्थल में सुख सागर लहराता है, पर तू विपन्न होकर दर दर ठोकर खाता है, भटक रहे हैं। साहब आगे भी कहते हैं, सेठों के गोदामों में नृप के कोषागारों में सुख शांति नहीं पाओगे मंदिर ठाकुर द्वारों में। साफ से मन को हटा लो, जब मन विषयों से मुड़कर अपने में आ जाएगा तब सुख का स्रोत खुलेगा जो है अनंत अपने में। ये बाहर भटक रहा है मन सुख के लिए, पाने के लिए, बाहर कुछ नहीं है, सारा खजाना भीतर है, अंदर शांत। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम, अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान अजराहम अमराहम अखंडम अनुपम, अजराहम अमराहम अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम, अहम शुद्ध चैतन्य अजराहम अमराहम अखंडम अनुपम, अजराहम अमराहम अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम, अहम शुद्ध चैतन्य
अजराहम अमराहम अखंडम अनुपम अजराहम अमराहम अखंड अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अहम शुद्ध चैतन्य अजराहम अमराहम अखंडम अनुपम अजराहम अमराहम। आज का सत्र पूरा होता है साहेब बंदगी।